हेलो गाइस, वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव व्हील्स। आज हम बात करेंगे होंडा एलिवेट का जो ZX वेरिएंट है उसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ऑपरेट वगैरह करना है। तो एक बार चालू करते हैं गाड़ी। ये जैसे मैंने अभी इग्निशन मोड पे रखा हुआ है, तो इस तरह से आपको एक जो उसका ग्राफिक है वो वेलकम करेगा। अब यहां से देख सकते हो, ये देखिए, ये ऐसे एलिवेट लिख के आएगा। ओके, ये नॉर्मल जो डिस्क्लेमर है वो है, आपको खाली यहाँ पर इसको ओके कर देना है। ओके, अभी जैसे आप ये खोल रहे हो ना, तो आप देख सकते हो कि रेडियो का जो है वो आ गया है डिस्प्ले में। तो अगर आपको कोई भी चैनल वगैरह सीक करना है तो आपको खाली उसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर आपने उसको पकड़ा है, सर्च में आप जा सकते हो, तो आपको जो नजदीकी स्टेशन है वो वगैरह आ सकते हैं। यहाँ से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, यहां से आप बैक उसको कर सकते हो। ये अगर हम करते हैं उसको मैनुअल, ये देखिए, यहां से आप उसको जो है चैनल वगैरह यहां से आप सर्च कर सकते हो आपको जिस तरह से करना है। जैसे अगर मैंने इधर FM सेलेक्ट कर दिया है और यहां से ये देखिए, जैसे अभी मैं इसमें वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो आप सुन पाओगे। ओके, सेम अगर आप लॉन्ग प्रेस करके यहां पर रखते हो तो आप वो चैनल सेव कर सकते हो। ये देखिए, जैसे 92.3 है वो यहां पर सेव हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं यहां पर जो है कॉल और ब्लूटूथ वगैरह में। तो कॉल और ब्लूटूथ वगैरह में आप एक बार अगर मोबाइल पेयर करते हो तो आपको खाली ब्लूटूथ से उसको पेयर कर देना है। ये वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल केयर पे भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, यहां से आप सेटिंग्स वगैरह में जा सकते हो। जैसे डिवाइस लिस्ट, अगर आपको कोई भी ब्लूटूथ वगैरह पेयर करना है तो कनेक्ट न्यू डिवाइस कर सकते हो। आपको सर्च फॉर डिवाइस करना है, आपका जो मोबाइल है उसमें आप खाली ब्लूटूथ चालू कर दीजिए, होंडा लिख के आएगा, उसको खाली कनेक्ट कर देना है। वो आपको पूछेगा कि आपको वायरलेस जो है एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले वगैरह प्ले करना है, तो आप यहां पर से कर सकते हो। यहां से आप बैक कर सकते हो। USB कनेक्ट, आप USB वगैरह यहां पर प्लग इन करके, अभी डिवाइस डाला नहीं है, बाकी आप उसको जनरली जो है यहाँ इस पोर्ट पे आप उसको डाल सकते हो। अभी एक बार पैक कर लेते हैं। फिर आता है जो है साउंड वगैरह, यहाँ से आप बेस वगैरह सेट कर सकते हो, इक्वलाइजर वगैरह है, आपको जो फेडर बैलेंस वगैरह है, फ्रंट रेयर है, लेफ्ट है, राइट है, वो वगैरह आप यहाँ से उसको सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। बैक में चले जाते हैं। ये बीप जो वॉल्यूम है, बीप वॉल्यूम वगैरह आप अगर आपको नहीं चाहिए, जैसा भी बीप आ रहा है तो आप उसको यहां से टिक हटा सकते हो। सिस्टम वॉल्यूम में भी आप जैसे इसमें अभी फुल रखा हुआ, आप यहां से प्लस माइनस जो भी है यहां से कर सकते हो। जैसे मैक्स टू मैक्स ये 32, 34, ये देखिए 45 मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम है। आप 45 तक जो है ये वगैरह यहां से सेट कर सकते हो। मैं उसको वापस 23 पे रख देता हूं, तो क्योंकि जो ज्यादा नहीं रहेगा वो मिडल पे ही रहेगा। इसी तरह से आप जो है रिंग टोन्स, अलर्ट्स है, वॉइस रिकॉग्निशन है, नेविगेशन गाइडेंस है, वो वगैरह आप यहां से उसको सेट कर सकते हो। आ जाते हैं डिस्प्ले पे, ब्राइटनेस वगैरह है। जैसे ये मेन स्क्रीन हो गया तो ब्राइटनेस वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट लेवल है, ब्लैक लेवल है, वो वगैरह आप यहां से उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेन वॉच का जो है, देखिए यहां से कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ब्लैक लेवल वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह आप यहां से उसको एडजस्ट कर सकते हो। रेयर कैमरा, ये रेयर कैमरा के जो सेटिंग्स है, यहां से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो जो हमने लेन वॉच में देखा वही सेम सेटिंग्स आप उसको यहां से कर सकते हो। ये देखिए वॉलपेपर वगैरह है, अगर वॉलपेपर आपने ऑलरेडी स्टोर्ड किया हुआ है, आप पेनड्राइव वगैरह से यहाँ पर स्टोर्ड कर सकते हो, या तो डिफॉल्ट रखना है तो आप डिफॉल्ट यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें जो है अभी ब्लैक रखा हुआ, आप ब्लू कर सकते हो। देखिए ये ब्लू हो गया है, रेड करना हो तो रेड कर सकते हो, ग्रीन करना हो तो ग्रीन कर सकते हो, पर अब ब्लैक ज्यादा सूट कर रहा है इस पे, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देंगे। ये बैक पे चले गए, सॉरी सेटिंग्स, ठीक है। जैसे फोटोज वगैरह है, ये देखिए अभी इसमें है कुछ नहीं इसलिए अंदर आपको नहीं दिखा रहा है। डेट वगैरह आप यहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हो। क्लॉक मोड आपको 24 आवर्स के फॉर्मेट में या 12 आवर्स के फॉर्मेट में रखना है तो वो आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ से डेट फॉर्मेट वगैरह है, ईयर मंथ डेज है, मंथ डेज ईयर है, डेज मंथ ईयर है, वो वगैरह आप यहाँ से उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। रेयर वाइड कैमरा, अगर जैसे आप क्लीन करें तो गाइडलाइंस जो आते हैं, अगर उसको आपको निकालना है तो यहाँ से टिक हटा सकते हो। ये देखिए तीन व्यूज जो है वो है इसमें, टॉप डाउन व्यू है उसमें, फिर आता है
टॉप डाउन व्यू टू नॉर्मल व्यू, टॉप डाउन व्यू टू वाइड व्यू वगैरह, आप यहाँ से उसको कैमरा का जो सेटिंग्स है वो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। सेम गोज फॉर लेन वॉच, ये देखिए टर्न सिग्नल पे, अगर आपको टर्न सिग्नल पे चालू रखना, जैसे अभी मैंने टर्न सिग्नल कर दिया तो देखिए लेन वॉच चालू हो गया, अगर मैं उसको बंद कर रहा हूं तो बंद हो जाएगा। अगर इसको आपको सेटिंग से हटाना है तो आप यहां से कर सकते हो। डिस्प्ले टाइम जो सिग्नल ऑफ अपने जीरो से कह सकता है, और रेफरेंस लाइन वगैरह अगर आपको हटाना है तो आप वहां से टिक हटा सकते हो। ऊपर सोनस लाइटिंग अभी है, जो लाइसेंस वगैरह है उसका, उसके बारे में डिटेल्स है अबाउट, ये आप यहाँ से आपका जो फर्मवेयर वगैरह उसका डिटेल्स मिल जाएगा। क्लियर सेटिंग्स यानी फैक्ट्री रीसेटिंग आप यहाँ से उसको कर सकते हो। आ जाते हैं उसका नेक्स्ट पोर्शन में, जैसे ये होंडा का सिंबल, ठीक है, अगर मैं उसको ड्रैग करता हूँ नीचे तो देखिये सबसे पहले आ गया क्लॉक, तो आप उसको अगर यहाँ पर क्लॉक को रखना हो तो आप यहाँ से क्लॉक को रख सकते हो। कैलेंडर वगैरह है, कैलेंडर को रख सकते हो, जैसे May 24 का डेट हो वो वगैरह यहाँ पर सेट हो गया है। कंपस वगैरह है, कंपस का भी ऑप्शन है यहाँ पर, आप उसको साइमल्टेनियसली उसको भी रख सकते हो अगर आपको यूज करना हो तो। पिक्चर वगैरह, जैसे मैंने बात की, अगर पिक्चर रखना हो, अगर वॉलपेपर टाइप यानी छोटा कुछ फैमिली फोटोज वगैरह किसी का रखना हो तो आप रख सकते हो। असिस्टेंट व्यू मिरर है यहाँ पर, अगर जैसे लेन वॉच आपको कंटिन्यूस चालू रखना है तो यहाँ पर इतने में वो चालू का चालू ही रहेगा ये एरिया में, और प्लस आपका म्यूजिक सिस्टम वहां पर जो है वो चलता रहेगा। इसको असिस्टेंट साइड व्यू मॉनिटर कहते हैं होंडा के भाषा में, असिस्टेंट साइड व्यू मॉनिटर बोलते हैं इसको। फिर आप जैसे उसको यहाँ पर असिस्टेंट रेयर व्यू मिरर जो है वो आप यहाँ से देखें, यहाँ से सेट कर सकते हो। ये अगर होंडा का लोगो आपको रखना है तो होंडा का लोगो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखिए डिवाइस लिस्ट है, जो शॉर्टकट्स वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। काफी अच्छा प्लेयर है होंडा का, ये जो है 10.25 इंच का जो डिस्प्ले है, एडवांस्ड HD डिस्प्ले है, काफी अच्छा डिस्प्ले है, ओवरऑल व्यूज अच्छा है। जैसे अगर मैं इसको रिवर्स में भी रख रहा हूँ तो आपकी कैमरा की क्लियरिटी काफी अच्छी दी हुई है गाइडलाइंस के साथ वगैरह। और इसमें दूसरी एक बात है कि होंडा की सभी कार्स में आप देख सकते हो जिसमें कैमरा है तो आपको 3 व्यूज मिल जाते हैं, जैसे वाइड है, नैरो है, और ये टॉप डाउन वगैरह, वाइड है, ये देखिए नैरो है, और ये टॉप डाउन वगैरह है, आप यहां से देख सकते हो। सो गाइज, आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।